जी अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं अपने एक दोस्त हैं क्या दोस्त थे डॉक्टर सुहेल हैदर। मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं कि वो अपने बच्चों को बहुत प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि भाई तुमने फर्स्ट आना है, तुमने सेकंड आना है, तुमने थर्ड आना है, तुमने क्लास में रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। अभी भी जब मैं अपनी बच्ची का रिजल्ट लेने गया तो एक खातून निकल रही होंगी स्कूल से, जो बच्ची फर्स्ट आई थी उसको कहने लगी, अरे इसको भी तो कुछ समझाओ मेरी बेटी को कि तुम्हारे साथ ही तो बैठती है, इसको भी बताओ फर्स्ट कैसे आते हैं। सर पहले तो आप ये देखेंगे कि आपने कभी असल में जीनियस से मुलाकात नहीं की। काश आपने कभी किसी जीनियस को, मैं दुआ कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि आपके आसपास कोई जीनियस एग्जिस्ट नहीं करता, काश आपकी जिंदगी में कभी कोई जीनियस आया होता, आपने जीनियस को करीब से देखा होता तो आपकी ये बातें जो आप बच्चे पे बेजा प्रेशर डालते हैं ये आपकी जिंदगी से खत्म हो चुकी होती। डॉक्टर सुहेल हैदर, आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? हाँ, इतनी सलाहियत हमारे जहन में उस वक्त भी थी कि हम पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स में 2005 में। 99 में हमने की थी ग्रेजुएशन बीकॉम में। और कई दोस्त पूछते हैं कि भाई शर्जील उस्मानी आपका दोस्त कैसे बना या दोस्त है कैसे, आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ रहा होता है तो कुछ लोग पूछ लेते हैं जिन्होंने उनके साथ डॉक्टरी की थी जो या उनके जूनियर्स थे। तो स्टैटिस्टिक्स में हम डिप्लोमा कर रहे थे, डॉक्टर सुहेल हैदर उस वक्त हमारे क्लास फेलो थे। और जीनियस की डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको, ऑलवेज लेट इन द क्लास, क्योंकि वो डॉक्टर थे, सुबह उनके कोई 100 पेशेंट 125 पेशेंट और रात में तकरीबन 100-150 पेशेंट होते थे। 2005-2006 की बात बता रहा हूं मैं आपको। सर वो जीनियस थे, एक चीज कैलकुलेट नहीं कर सके वो। अगर वो चीज भी वो कैलकुलेट कर लेते, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि अगर वो कैलकुलेट नहीं कर सके आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जीनियस के दोस्त से वो बात सुन रहे हैं, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड अगर कर गए कि भाई वो जीनियस क्या चीज कैलकुलेट नहीं कर सका जिसकी वजह से आज भी जब उनकी डेथ होती है तो ग्राउंड प्लस 2+1 रूम ऊपर, यानी ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है एफबी एरिया में डॉक्टर सुहेल हैदर मेमोरियल क्लिनिक 120 गज कॉर्नर के ऊपर, जो शायद आप या मैं या हम में से कई लोग वो 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी में 45 की एज में हासिल ना कर सके, उन्होंने बना ली थी। ही वॉज अ जीनियस, ऑलवेज लेट इन द क्लास, बैक बेंचर, बट जब रिजल्ट आया फर्स्ट इन द क्लास। हाँ, ये चीज मैंने आइडेंटिफाई कर ली थी, मैंने कहा यार डॉक्टर सुहेल भाई तुमने आना फर्स्ट है, तो हंसते थे और लोग भी समझ नहीं पाते थे। तो कई बार वो चीजें जो आप देख नहीं पाते तो उसका मकसद ये कि आपकी खोपड़ी के अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए किसी जीनियस को या आने वाले वाकयात को या आने वाले हालात को, आप में वो आइडेंटिफाई करने की सलाहियत ही नहीं होती। आप बच्चे के पीछे लग जाते हैं जबकि आप खुद नहीं देखते कि आप खुद क्या थे, आप बच्चे के ऊपर पल पड़ते हैं कि तूने फर्स्ट आना है। अबे भाई तुम पहले अपने आप को देखोगे, वो अगर वो जेनेटिकली तुम्हारा ही बच्चा है तो वो ज्यादा दूर का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, खासकर अगर आपने डंडे से रिजल्ट प्रोड्यूस करवा भी लिया तो वो जो रिजल्ट आया ना वो डंडे का रिजल्ट है, वो आपका नहीं है। ये मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी भी जब पहुंचो तो बच्ची के ऊपर अकलौती उसकी बेटी है, उसके ऊपर इतना जुल्म जबर करके उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करवाती है। तो मैंने दोस्त को बताया, भाईजान ये जो रिजल्ट आया है बहुत अच्छा आया है, आपकी बेटी का रिजल्ट मान लो, वो रिजल्ट बेटी का नहीं है, वो रिजल्ट आपकी बीवी का है, वो बीवी ने प्रोड्यूस किया है। एक बार बच्ची को उसके हाल पे छोड़ो, एक बार चेक करो कि बेटी क्या करती है, बेटी का रिजल्ट क्या आता है, बेटी क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, एक बार चेक तो करो। बच्चे के पीछे डंडा लेके पड़ जाने से या तो रिजल्ट डंडे का आएगा या वो आपका आएगा, एक बार ये चेक तो कर लो कि बेटी आया के जब उसको फ्री हैंड दिया जाए दुनिया में कभी भी, और एट द एंड आपको देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के पीछे डंडा लेके पड़े रहेंगे वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता रहेगा। तो हमने जीनियस को देखा हुआ है इसलिए हम कभी भी बच्चे के पीछे नहीं पड़ जाते डंडा लेके, बच्चे को कहते हैं बेटा जो रिजल्ट आना है वो आना है, तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, मेहनत भी छोड़ दें आप, ये ज्यादा जो है ना वर्ड मेहनत को भी इतना ज्यादा इस्तेमाल ना किया करें।
इस वक्त सिंध के अंदर जो पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही थी वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जब से फीस को खत्म कर दिया गया, तो भाई वो तालीम जो वो थोड़ा बहुत दे रहे थे, क्योंकि यहां तो अफसर को जैसी मालूम हो जाता है, बड़ा मैं बच्चे का एडमिशन पहले गवर्नमेंट कॉलेज में करवाने गया तो वहां पे जो लक्षण थे सरकारी कॉलेजेस के अंदर, अच्छा वो मैं बताऊं ना उस्ताद, ये सारे के सारे कॉलेजेस या तो प्राइवेटाइज कर देने चाहिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ना कि बच्चों की फीसें माफ की जाए, भाई उन्होंने पढ़ा के नहीं देना है। ये जैसे वो बात थी कि भाई पहले कांस्टेबल को कहा जाता था कि भाई ये कांस्टेबल रिश्वत क्यों लेता है, सर उसकी तनख्वाह कम है तो वो रिश्वत लेता है। अच्छा आज क्यों लेता है सर, आज महंगाई है तो रिश्वत लेता है। भाई उसकी तनख्वाह तुम लाखों रुपए कर दो, वो कई बार बैंक में पड़ी रह जाती है, जिसने रिश्वत लेनी है वो लेगा। और सेम इज द केस विद द गवर्नमेंट कॉलेजेस, थोड़ा बहुत अगर वो पढ़ाते भी थे तो जब मैं करते करते वहां तक पहुंचा जहां पे मुझे रसीद चाहिए थी कि भाई बच्चे का एडमिशन हो गया, कहने लगे रसीद किस बात की, कोई पैसे थोड़ी लिए हमने। रिकॉर्डेड वीडियोज उन खबीस गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रोफेसर की मैं तो रखता हूं, मैं तो हर चीज को हर इवेंट को रिकॉर्ड करता हूं, और करना भी चाहिए। इस मुल्क में अगर आपने बाकी रहना है, इस मुल्क में अगर आपने मुस्तहकम रहना है, खुशहाल रहना है, तो हर हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो रिकॉर्ड इसी तरह जनरेट होगा कि आप जहां पर भी जाएं आप सामने वाले की वीडियो लें, ताकि जब आप कोई बात करें उसके ऊपर कोई सवाल उठाया जाए तो आप फौरन से दिखाएंगे भाई ये देखो कि ये पढ़ाएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर, ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, इनकी तो हाजिरी हर हर मिनट होनी चाहिए, हर क्लास से पहले इनका बायोमेट्रिक लगा होना चाहिए क्लास के बाहर, कि ये क्लास में जाते हुए और क्लास में आते हुए, प्लस ऑनलाइन लेसन रिकॉर्ड करवाने चाहिए इनसे, अगर कोई चाहता है सिंध की बेहतरी। मगर नहीं जी, बेहतरी इंतकाम जमहूरियत है, ये पीपल्स पार्टी ने हमें सिखा दिया है कि भुट्टो की मौत का बदला हम इस तरह लेंगे कि हम सिंध को बर्बाद कर देंगे। इस पाकिस्तानी कौम ने भाई पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि हमने बिगाड़ा क्या है इन लोगों का। कभी कभी मैं सोचता हूं, फिर कभी कभी वो कहते ना भाई हमारे वो पूर्वज, कभी कभी जहन में ख्याल आता है कि यार ये कोई जन्मों वन्मों का चक्कर वाकई तो नहीं है, कि पुराने जन्म में हमने कुछ ऐसा क्या काम कर दिया था जो हमें ये जरदारी, ये नवाज शरीफ, यही हमारे नसीब में रह गए थे। अल्लाह पाक चाहता हमें ओमान में, कतर में, यमन में, बहरीन में पैदा कर सकता था, पर अगर पाकिस्तान में पैदा किया है तो इसकी वजह क्या है। मैं कभी कभी सोचता हूं, आप भी सोचा जरूर करें कि ऐसे हमारे क्या आमाल थे कि हमारी पैदाइश ही उन मुल्कों में हुई जहां पर जमहूरियत, जबकि एक कानून की मार है, ये आसिफ मुनीर से लेके नवाज शरीफ, नवाज शरीफ से लेके जरदारी, जरदारी से लेके आपका चीफ जस्टिस, एक कानून की मार है कि भाई जो 18 ग्रेड में आएगा वो ये लिख कर देगा कि अब वो और उसके बच्चे और उसकी बीवी पाकिस्तान में रहेंगे, बस खाला खत्म। तो ये पूरे के पूरे चीफ जस्टिस से लेके आसिम मुनीर तोड़ गया। एक कानून की मार है ये, एक कानून। क्यों ये कानून बनाते हुए शर्म आती है? क्योंकि जितना मालूम मता उन्होंने बनाया होता है वो खर्च ही बाहर जाकर होना है, और ये जो नवाज शरीफ है ये एडजस्टमेंट देता ही आपको तब है। टॉपिक समझ में आया भाई? टॉपिक ये है कि जीनियस रट्टाफिकेशन से अगर पूरी पूरी बंद करके कमरे में अगर आप सीएसपी ऑफिसर बन गए हैं, दैट इज नॉट जीनियस। आप जीनियस नहीं है, आपने जीनियस को देखा ही नहीं है। तो डॉक्टर सोहेल हैदर पे हम वापस आते हैं। डॉक्टर सोहेल हैदर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एफबी एरिया में उनकी प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस के दौरान ही वो जहां पे बैठे हुए थे तो वहां पे 100-150 की ओपीडी होती थी। और मैं कहता हूं मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, एक ऐसा दोस्त था मेरा कि मुझे कभी मालूम ही नहीं हुआ कि बच्चे को इंजेक्शन कितने का लगता है। हम जाते थे, वो पूरी भीड़ में से उठकर आता था और एक अलग कमरा खुलवाया जाता था हमारे लिए, वो बच्चे का इंजेक्शन लगता था, हम आ जाते थे। और फिर साथ में उनकी वो इमारत एक ही गली छोड़ के ग्राउंड प्लस टू, जिसको वो कहते थे वजह नीचे बेसमेंट में, आज भी बना हुआ है बेसमेंट। मजे की बात है कि बेसमेंट आज भी बना हुआ है, वो बेसमेंट मौजूद है, ग्राउंड फ्लोर मौजूद है, दो फ्लोर मौजूद है, और दो फ्लोर के ऊपर वो कमरा मौजूद है जिसमें कहते थे कि बजाज यार इसके अंदर हम लोग बैठा करेंगे, लाइब्रेरी वगैरह ऊपर बनाएंगे। भाई वो बंदा शिफ्ट नहीं हो पाया था, उस किराए की जगह से उस इमारत आज बन चुकी है, वो बंदा शिफ्ट नहीं हो पाया था, उनकी डेथ हो जाती है डेंगू की वजह से। आगा खान में सुबह 4:15 बजे वो फजर के वक्त वॉक करते हैं,
और फजर के अंदर उस बंदे की कोई 7 बजे डेथ होती है। आज जब मैं उस इमारत को जाकर देखता हूं तो खंडर, यानी आप यकीन नहीं कर सकते उस इमारत में खड़े हो गए कि यहां पर डॉक्टर सुहेल हैदर ने बैठना था, जिसके 1 महीने में हजारों पेशेंट्स हुआ करते थे। और उस जीनियस से जो गलती हुई वो दैट वॉज दी ओनली मिस्टेक। अगर उसको मालूम हो जाता, अगर उसे पता चल जाता कि मेरी मौत कब है, वो उसको करेक्ट कर देता, अपने डिसीजन को करेक्ट कर देता। जो इमारत आज बर्बाद पड़ी है वो उस डिसीजन को करेक्ट करने में कामयाब हो जाता। सर आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप जीनियस ना होते हुए भी 110% आप जीनियस नहीं है, आपने कभी जीनियस को देखा ही नहीं है। आपको क्या पता, आप CSP ऑफिसर रट्टाफिकेशन से पास हो जाता है, लड़काना से उठता है, वो पूरी पूरी रात रट्टा फाइल करता है, आके वो कहता है कि जी मैं CSP ऑफिसर बन गया हूं। बहुत से बहुत जो वो होता है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, दैट्स ऑल, दैट्स दी ओनली क्वालिफिकेशन वी हैव। हम उर्दू को, हम पंजाबी को, हम सिंधी को, हम बलोची को, अपनी लोकल जबानों में ना हमारे पास कोई शेर व शायरी के अलावा लिखने को कुछ है, ना हम लिखते हैं। तो घूम फिर के अंग्रेजी जबान से मुतासिर होना ये हमारा एक नॉर्मल सा वो है। वो अंग्रेजी भी अपने उसी एक्सेंट में, पश्तो, सिंधी, पंजाबी या इवन उर्दू एक्सेंट में बोल रहा होता है, वो कभी अंग्रेजी भी उस एक्सेंट में बोल नहीं पाता। जबकि एक्सेंट जरूरी नहीं था, हमें अपनी लोकल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अ फेल्ड नेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। हाँ, इन टर्म्स ऑफ करप्शन वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी एक्सपर्ट। और जिससे पूछो कि भाई तुम्हारे खानदान में कोई करप्ट है, कहता नहीं नहीं मेरे खानदान में कोई करप्ट नहीं है, आप क्या होगा तो होगा। यानी चीटर भी है, चोर भी है, झूठे भी है, मकार भी है, तब भी अपने हालात हम बेहतर नहीं कर पाते। वजह, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुना झूठ है। शिर्क पर भी खड़े रहते हैं। खाना खिलाता था एक साहब को, वो फौरन अल्लाह के अलावा किसी और शख्सियत का नाम लेते थे। एक बार मैंने बहुत रगड़ा उसको, बहुत रगड़ा, बहुत गंदी गंदी गालियां दी कि भाई अल्लाह का नाम लेके तू शुरू करेगा खाना, अल्लाह का नाम लेके तू खत्म करेगा, तू क्यों मेरे पैसे पे जब खाना खाएगा तो तू गैर अल्लाह का नाम कैसे लेगा। बहुत उसको मैंने जितनी गालियां मेरे को आती थी उसकी आधी, क्योंकि पूरी दे दूंगा ना वहीं मर जाएगा इंसान। डॉक्टर सुहेल हैदर जो अपनी डिसीजन को करेक्ट नहीं कर सके, जन्नती इंसान। सर आप जब भी फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे उसमें से 70% शॉर्ट टर्म होने चाहिए, 30% लॉन्ग टर्म होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बगैर कभी भी आप ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं कमा सकते, एक अच्छा रिटर्न नहीं ले सकते। बट हमेशा आपने ये सोचना है कि आज ही आपका आखिरी दिन है, तो जो आपके फैसले होंगे उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आपकी भी प्रॉपर्टीज, ग्राउंड प्लस टू की प्रॉपर्टीज बनी भी होंगी, ग्राउंड फ्लोर भी होगा उसके अंदर, बेसमेंट भी होगा, ऊपर एक कमरा भी होगा। 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी का मतलब क्या निकलता है, अराउंड मिनिमम साइड पे भी 5 लाख आराम से, मतलब बड़ी आराम से उस प्रॉपर्टी को आप अगर आज की तारीख में डॉलर्स में, यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 4-5 लाख डॉलर्स के दरमियान वो प्रॉपर्टी पाई जाएगी। इट्स अ कॉर्नर प्लॉट, FB एरिया, ग्राउंड प्लस टू विद द बेसमेंट विद 1 रूम ऊपर। आप करेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि मौत आज है, कल नहीं है। बट यहां पे लोगों का मसला क्या है, पहले तो वो अकले कुल रखते हैं। अगर उनको ये बात बताई गई है कि भाई तुम जीनियस नहीं हो, जीनियस कैसा होता है बता दिया, आइडेंटिफाई करने का तरीका बता दिया, सुबह कमरे में बंद होके पढ़ना शुरू करना, रात तक पढ़ते रहना और उसके बाद CA कर लेना, CSP ऑफिसर बन जाना या कोई और कोई डिग्री हासिल कर लेना, ये जीनियस का काम नहीं है। ऑलवेज लेट इन द क्लास, बैक बेंचर, पीछे आके बैठता था, हमेशा लेट होता था और क्लास में फर्स्ट आके दिखाता था, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट होता था, ये होता है जीनियस। तो समझे भाई कि जीनियस क्या होता है। तो यहां पे आपको 2 बातें समझ में आ गई कि यार जीनियस क्या होता है, इस चीज को भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया और आपने अपने डिसीजंस को, जो हमारे डॉक्टर सुहेल हैदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह तआला उनको जन्नत जरूर नसीब फरमाएगा, वेरी हेल्पफुल पर्सनालिटी, बहुत अच्छे इंसान, तो वो डिसीजन जो उनका था अगर उन्हें मालूम होता, और मैं बताऊं पूरी पूरी दिन पूरी पूरी रात, सुबह शेव करता था रात तक उसकी शेव आ जाती थी, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी आपने। आप यहां पे दुनिया में किसी को कुछ है, हमारे दोस्त साहब आप जी वो समझते हैं मेरा काम दुनिया में मकान बनाकर देना है, किसी और को लगता है मुझे खाने बनाकर देना है, तो वो कोई और है, वो
अपने आप को बैंकर समझ बैठा है कि भाई मेरा काम है दुनिया के अंदर बैंकिंग प्रमोट करना। नहीं भाई, सक्सेस बता दी कि अगर आपकी बेटियां अच्छे घरों में क्या, वो बस जहां पर भी जाएं वो सुकून से खुशहाल रहें, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ये सुकून होना चाहिए आपको। आपका पैसा अगर आप ज़कात दे रहे हैं उसके ऊपर 110%, उस बात को मैंने एक और वीडियो में भी कवर किया था कि भाई जो भी जरूरत से ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि उस मौलवी की बात सुन के आपने काम ये करना है कि टोटल पैसा अपनी उस गाड़ी में इन्वेस्ट कर देना है जो आपके जेरे इस्तेमाल है, क्योंकि जेरे इस्तेमाल चीज के ऊपर ज़कात नहीं है। ऐसा नहीं करें। टैक्स चोरी करना पाकिस्तान में अलग चीज का नाम है, ज़कात चोरी आपकी कब्र तक स्टैंड करेगी। तो टैक्स चोरी करने को काइंडली आप डिफरेंट रखेंगे, मतलब जरदारी को देना, नवाज शरीफ को देना, इनकी आल औलाद को देना और गरीब को देना, यतीम को देना, उसको डिफरेंट रखेंगे, तब कहीं जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। आई होप मेरी ये दूसरी वीडियो भी थोड़ी आगे पीछे थी, बट कोशिश मैं कर रहा हूं आपकी कंटिन्यूस वीडियोस बनाऊं और आपको कंटिन्यूस कुछ बातें समझाऊं ताकि आप में कुछ बेहतरी आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह। सब्सक्राइब कर लें, मैं बताऊं, सब्सक्राइब अब मैं कहूंगा कर लें, लाइक का बटन भी दबा दें, सब्सक्राइब भी दबा दें। 2023 से पहले मैं ये नहीं कहता था, बट अब ये जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस पर आप सब्सक्राइब भी करें, आप लाइक भी करें, ताकि मेरी वीडियोज आपको हर दिन मिलती रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।